पंधाना में मुस्लिम समाज पंचायत द्वारा देश के महामहिम राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा गया। मुस्लिम समाज पंचायत पंधाना के अध्यक्ष नौशाद खान ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि केंद्र सरकार ने जो नागरिकता संशोधन कानून पारित किया है वह भारत के धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता प्रदान करने के लिए विशेष रूप से केवल हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैन, पारसी और ईसाइयों के नामकरण, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से भाग रहे लोगों जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश किया है को सुरक्षा और नागरिकता देता है, लेकिन अल्पसंख्यक संप्रदायों के समान मुसलमानों को सुरक्षा नहीं देता है। यह कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 का सीधे सीधे उल्लंघन करता है, क्योंकि संविधान के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को नागरिकता देने या वंचित करने का आधार धर्म नहीं बन सकता। यह कानून धार्मिक बहुलवाद और भारतीय जन सामान्य की सहिष्णुता की भावना के भी विरुद्ध है। यदि इसे भारत में लागू किया जाता है तो यहाँ पर रहने वाले लोगों के बीच भाईचारे और सामान्य संबंधों को भी नष्ट कर देगा। इसलिए भारत के महामहिम राष्ट्रपति से अपील की गई है कि वह हमारे संविधान के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को बचाने के लिए असंवैधानिक नागरिकता संशोधन कानून को तत्काल प्रभाव से खत्म करने की सलाह केंद्र सरकार को दे। नौशाद खान कुर्बान का मुस्लिम पंचायत पंधाना से हूँ और मेरे द्वारा ज्ञापन दिया गया है राष्ट्रपति के नाम, जिसका सभी समाज लोग स्वागत करते हैं और इसके विरोध में जाते हैं। खिलाफ़ कार्रवाई सख्त सख्त की जाए और इसमें कोई किसी तरह की कोई नारेबाजी ना करे, किसी तरह की कोई हरकतें ना करे, शांतिपूर्ण ढंग से अपने ज्ञापन दिया। इसके लिए हम सब के समाज लोगों के आभारी हैं और मीडिया वालों के भी आभारी हैं।